योग कोचम श्रृंखला में आप सभी प्राध्यापक गण, डॉक्टर्स, प्रिय छात्रों एवं आमजन, आप सभी का हृदय से स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ योगा फॉर टोटल हेल्थ। इससे पहले मैं अपने टॉपिक पर आऊं, मैं सर्वप्रथम श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा के वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर बलदेव जी धीमान, रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा, स्वस्थ वृत्त डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सीमा रानी, डॉक्टर शीतल, डॉक्टर सुरेंद्र सहरावत, इन सब का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आप सबके सम्मुख दो शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। और सबसे अधिक इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर योगेंद्र जी को, जो हमारे योगा टीचर है, उनको मैं धन्यवाद अर्पण सर्वप्रथम करना चाहूँगा। संपूर्ण स्वास्थ्य की बात होती है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है। सृष्टि के आदिकाल से ही संपूर्ण स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है। अलग अलग धर्म शास्त्रों में भी स्वास्थ्य की परिभाषा है। आयुर्वेद शास्त्र ने बहुत समय पहले ही संपूर्ण स्वास्थ्य की एक कंप्लीट निर्दुष्ट परिभाषा दी है। निर्दुष्ट परिभाषा का अर्थ ये होता है कि ना तो वो इनसफिशियंट हो जब डिस्क्रिप्शन किया जाए, ना वो ओवरलैपिंग हो, बल्कि किसी भी चीज को बिल्कुल एक सटीक रूप से वर्णन करती हो। आयुर्वेद के अनुसार समदोषः समग्निश्चय समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिय स्वस्थम इति अभिधीयते। सभी दोष समान अवस्था में हो, सभी धातुएं समान अवस्था में हो, सभी मल मूत्र विसर्जन की प्रक्रियाएं सामान्य रूप से चलती हों और सभी प्रकार से मन आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न हो, इसी स्थिति को संपूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आधुनिक समय में संपूर्ण स्वास्थ्य किसे कहते हैं। इस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऑथेंटिक सोर्स है जो स्वास्थ्य संबंधित जितने भी विषय हैं उनको डिफाइन करता है। WHO के अनुसार कंप्लीट हेल्थ इज नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज और डिफॉर्मिटी, बट इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बींग सोशली मेंटली फिजिकली सोशली मेंटली एंड स्पिरिचुअली। जब हम आयुर्वेद की परिभाषा और WHO की परिभाषा को कंपेयर करते हैं तो यह पाते हैं दोनों परिभाषाएं बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ भाषा का अंतर है। WHO भी मानता है कि संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इंद्रियों के स्तर पर और सामाजिक रूप से तथा आध्यात्मिक रूप से, जिसके सभी प्रक्रियाएं सामान्य रूप से चलती है, इन स्तर पर स्वस्थ हो, उसी व्यक्ति को संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि लेबोरेटरी में गए, सभी प्रकार के टेस्ट कराए, सभी नॉर्मल आए, लेकिन व्यक्ति तनाव में है, उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ, इस प्रकार के मानसिक विकार है, उसको नींद ठीक से नहीं आती हो, हर समय चिंता से पीड़ित रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योगा एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। ज्यादातर मामलों में संपूर्ण स्वास्थ्य हम योगा के अष्टांग योगा का पालन करके प्राप्त कर सकते हैं। आजकल योग के नाम पर जो प्रचलन में है वो आसन है। आसन से हमें मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, लेकिन योग के जो अन्य अंग हैं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अगर इन सभी अंगों के, सभी नियमों का, सभी सोपानों का हम सम्यक रूप से पालन करते हैं तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। यो अष्टांग योग से हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और अगर व्यक्ति चाहे तो
तो वह मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। यहाँ पर मैं चिकित्सक के रूप में ही योग के लाभ और योग से हम किस प्रकार से स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उस पर फोकस रहेगा मेरा। सबसे पहले योग के 8 अंगों का नाम। योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग किसे कहते हैं? समत्वम योग उच्चते, अर्थात हर प्रकार की समता को योग कहते हैं। कर्मसु कौशलम योगम, गीता के अनुसार कुशलता पूर्वक काम करना योग कहलाता है। योग शास्त्र में लिखा है कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थों के सन्निकर्ष से हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। अगर आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थों का सुखद संयोग होता है तो सुख होता है, अगर दुखद संयोग होता है तो हमें दुख होता है। योग में इस प्रकार के सुख दुख की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात मन आत्मा के एक आत्मा में एकीकार हो जाता है, इसी अवस्था को योग कहते हैं। योग जहाँ मौलिक रूप से बताया गया है, योग का अल्टीमेट वहां पर जो उद्देश्य बताया गया है वो मोक्ष बताया गया है। तो थोड़ा मोक्ष किसे कहते हैं यह भी यहाँ पर थोड़ा सा बताना आवश्यक है। मन से जब रज और तम का अभाव हो जाता है, तीन गुण होते हैं सत्व, रज और तम, जब रज और तम का अभाव मन से हो जाता है, जो व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्म करता है उन सभी कर्मों का क्षय हो जाता है, बलवान कर्म जिनको कहा गया है उनका क्षय हो जाता है, तब अपुनर्भव हो जाता है, यानी दोबारा फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, इस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। चिकित्सक की दृष्टि से रोगों से मुक्ति प्राप्त करना भी मोक्ष कहा जा सकता है। हम इसी मोक्ष पर केंद्रित रहेंगे। सबसे पहले अष्टांग योग में यम आते हैं। यम 5 प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 यम के पालन से हम किस प्रकार स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहला आता है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाना। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मूल मंत्र से देश को आजाद कराया, सभी जानते हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मनुष्य शारीरिक रूप से हिंसा कर सकता है, किसी को सीधे चोट पहुंचा सकता है, मानसिक रूप से किसी को हानि पहुंचाने का विचार मन में ला सकता है, या वाचिक रूप से किसी को गाली गलौज करके, अपशब्द कह के, किसी का अपमान करके भी हिंसा कर सकता है। हिंसा से क्या होता है? हिंसा से क्रोध उत्पन्न होता है। जिसके प्रति आप हिंसा करते हैं वो आपसे क्रोध करेगा, आपके प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष रखेगा। काम, क्रोध, लोभ, भय, मोह, ये जो मानसिक विकार है, किसी भी कारण से उत्पन्न हो, इन मानसिक विकारों से जो शरीर में हमारे दोष धातु मल है, वायु है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, एंडोक्राइनल हार्मोन्स है, उन सभी का साथ में बिगड़ जाता है। और जब ये साथ में बिगड़ जाता है तो शरीर में मानसिक रोगों के साथ साथ शारीरिक रोगों की उत्पत्ति होने भी प्रारंभ हो जाती है। अहिंसा के बाद अगला जो सोपान है यम के तहत, वो सत्य है। सत्य, सच बोलना, सत्य का आचरण करना। इससे कैसे स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं? बड़ी सिंपल सी चीज है। आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि सत्य से कैसे आप स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हम सत्य से स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन में सत्य का आचरण करते हैं तो हमारा चित्त अशांति से बच जाता है। चित्त में अगर अशांति है तो वह विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देती है। महात्मा गांधी जी ने सत्य के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक बुक भी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उसमें उन्होंने बहुत सारी घटनाओं का वर्णन किया कि कब उन्होंने सत्य का सहारा लिया, किस प्रकार से उनका तनाव रिलीज हुआ, और कब उन्होंने सत्य को छुपाने की कोशिश की और उससे वो किस प्रकार से अशांत रहे।
सत्य अगर आचरण आपका है तो आपको मन में कुछ भी नहीं रखना पड़ता। कोई भी बात आपसे पूछी जाए, अगर आप सत्य बोलते हैं, एक बार उस बात को बोलने के बाद आपका चित्त शांत हो जाता है। अगर आप कोई असत्य का आचरण करते हैं तो उस असत्य को छुपाए रखने के लिए, उस असत्य को सिद्ध करने के लिए आपके मन में निरंतर उद्वेग बना रहता है, कहीं ये सत्य, कहीं ये असत्य उजागर ना हो जाए। उसके लिए, एक असत्य को छुपाने के लिए 100 प्रकार के झूठ बोलने पड़ते हैं और मन में उद्वेग बना रहता है, और यही उद्वेग रोगों का कारण बनता है। यहाँ पर बार बार आ रहा है कि मानसिक रोग की बात हो रही है, तो मानसिक रोगों से शारीरिक रोग कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, यह प्रश्न उठता है। मानसिक रोग जब उत्पन्न होते हैं, प्रज्ञा अपराध भी होता है, और प्रज्ञा अपराध के साथ साथ ही हम मिथ्या आहार विहार का सेवन करते हैं। आयुर्वेद में जगह जगह पर रोग उत्पत्ति का प्रकरण लिखा हुआ है, सब जगह यही सिद्ध होता है कि रोगों की उत्पत्ति मूलतः प्रज्ञा अपराध से ही होती है। प्रज्ञा अपराध ही सब रोगों का कारण है। धी धृति स्मृति विभ्रंशा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात् सर्व दोष प्रकोपनम। प्रज्ञा अपराध से ही सभी प्रकार के दोषों का प्रकोप होता है। एक सीक्वेंस है, प्रज्ञा अपराध व्यक्ति करता है तो वो भूल जाता है कि मेरे लिए किस प्रकार का रहन सहन, किस प्रकार का आहार विहार, किस प्रकार का आचरण हितकर है और किस प्रकार का आचरण, आहार विहार, रहन सहन मेरे लिए अहितकर है, और वह मिथ्या आहार विहार का सेवन करता है। उसी से वह विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक एवं आगंतुक रोगों का शिकार बनता है। नेक्स्ट इसमें अस्तेय आता है। यमों में अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, किसी चीज को न छुपाना, व्यवहार में ईमानदारी रखना, इसका अर्थ अस्तेय होता है। अस्तेय का अर्थ चोरी करना। जो काम आपको दिया गया है उस काम के प्रति समर्पित ना होना, जो काम की अपेक्षा आपसे की जाती है वो काम आप पूरा ना करें, उसके जो सैलरी आप लेते हैं उसके साथ आप जस्टिफिकेशन ना करें, यही अस्तेय है, और इन सब से दूर रहना, यह अस्तेय है। अगर आप अस्तेय का पालन करते हैं, अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं, व्यवहार में ईमानदारी रखते हैं, तो आपका चित्त मजबूत होता है, मन में विश्वास आता है, आपके शरीर के दोष धातु मल साम्य अवस्था में रहते हैं, आप रोगी होने की संभावना आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ कंप्लीट अब्सेंस ऑफ इंटरकोर्स नहीं है, बल्कि मर्यादित मैथुन है। हमारे शास्त्रों में, समाज में मैथुन को लेकर नियम बने हैं। संभोग, संतानोत्पत्ति की दृष्टि से अपनी स्त्री के साथ ही किया जाना धर्मशास्त्र और समाज शास्त्र सम्मत है। इसके अलावा जो भी मैथुन किया जाता है वह अवैध है, गैर कानूनी है, अनैतिक है, और इस प्रकार के संबंधों से विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। मर्डर्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, और इन सब स्थितियों से काम, क्रोध, लोभ, भय, मोह, आयास, आलस्य, इस प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, और उन रोगों से फिर शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आता है अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है संचय करना, अपरिग्रह का अर्थ होता है संचय ना करना। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ भी संचय ना करें, इसका अर्थ यह है कि जितनी आपकी जरूरत है आप उतना तो संचय करें, उससे ज्यादा अगर आप संचय करते हैं तो आप किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई गलत काम करेंगे, धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, समाज विरुद्ध या कानून के विरुद्ध आप आचरण कर सकते हैं। जब आप ज्यादा लालच करते हैं, ज्यादा संचय करने की प्रवृत्ति आपके मन में आ जाती है, और संचय प्रवृत्ति करने के प्रकरण में आप लोभ, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब मानसिक विकारों का शिकार हो सकते हैं। विमान स्थान अध्याय 3 में रोगों की उत्पत्ति का लिखा है, सीक्वेंस लिखा है कि किस प्रकार से सृष्टि में रोग आए। वहां पर लिखा है कि सतयुग के प्रारंभ में
रोग आने उत्पन्न हुए। जब सतयुग शुरू हुआ तब किसी प्रकार का कोई शारीरिक मानसिक विकार मनुष्य में नहीं था। समय बीतने के साथ साथ कुछ धनी लोग अधिक भोजन करने लगे। अधिक भोजन करने से शरीर में गुरुता आई, भारीपन आने लगा। गुरुता आने से शरीर में आलस्य बढ़ा, आलस्य बढ़ने से धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ी, प्रवृत्ति बढ़ने से परिग्रह हुआ, परिग्रह से लोभ हुआ, लोभ से फिर द्रोह, झूठ, काम, क्रोध जैसे द्वेष, कठोरता, अभिघात, मद, ताप, इस प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न हुए और इन मानसिक विकारों के अनंतर ही शारीरिक विकार उत्पन्न हुए। यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अन्य स्थानों पर भी जहां भी कहीं रोग उत्पत्ति क्रम लिखा है वहां पर बार बार मानसिक विकारों का उल्लेख सबसे पहले आता है। उसके बाद बात करते हैं हम नियम की। नियम भी पांच हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रणिधान। पहला नियम शौच है। शौच का अर्थ है पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार से होती है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक पवित्रता को बाह्य पवित्रता कहते हैं, मानसिक पवित्रता को अंतः पवित्रता कहते हैं। बाहरी रूप से साफ सफाई करना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रतिदिन अपने स्नान नहीं करते, अपने बार बार हाथ नहीं धोते, जैसे अब कोविड का काल चला हुआ है, बार बार हाथ धोने की वकालत हो रही है। कोविड के समय में तो स्थिति पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन कोविड आने से पहले भी हमारे सभी चिकित्सक वैज्ञानिक इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि पूरे शरीर की तो सफाई रखनी ही रखनी है, लेकिन हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए। किसी भी भोजन करने से पहले हाथों की सम्यक सफाई बहुत जरूरी है। शारीरिक सफाई से हमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। यह तो एक पक्ष हुआ। मानसिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता बहुत जरूरी है। हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, भय, मोह, उद्वेग, ईर्ष्या, द्वेष, ये भाव नहीं होना चाहिए। अंतर्द्वंद से हमें बचना चाहिए, चिंता से, तनाव से दूर रहना चाहिए। अगर ये भाव हमारे शरीर में रहते हैं, इन भाव के चलते हुए हमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोक्राइनल हार्मोन्स, शारीरिक दोष धातुमल सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सभी का सामंजस्य बिगड़ जाता है और उससे विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि जब शरीर में दोष धातु मल का सामान्यता बिगड़ जाती है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। फिर उसके बाद किसी भी प्रकार का रोग कारक, कीटाणु, जीवाणु, वायरस हमें ग्रस्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है संतोष। संतोष भी मन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने दैनिक जीवन में अपनी जरूरतों को डिफाइन करना चाहिए कि हमारी जरूरतें वास्तव में कितनी है। एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति की जरूरतें कितनी हो सकती है, जैसे उसके दैनिक जीवन के कार्य निर्विघ्न रूप से चलते रहे, सभी जरूरी संसाधन उसके पास मौजूद हो, रहने के लिए सिर पर छत हो, बच्चों के प्रति जो उसके कर्तव्य है, उनकी शादी करना है, उनको पढ़ाना है, उनको व्यापार आदि में सेटल करना है या नौकरी दिलाने में मदद करना है, यही एक गृहस्थ व्यक्ति के कर्तव्य हो सकते हैं। इसके बाद अगर व्यक्ति सोचता है कि मैं हर बच्चे के लिए अलग अलग मकान बना दूं, हर बच्चे को अलग अलग गाड़ी दे दूं, या फिर मैं 7 पुस्तकों का इंतजाम कर दूं, तो फिर इससे समस्या उत्पन्न होती है। व्यक्ति भ्रष्टाचार की तरफ जाता है, दिन रात काम करता है, आहार, निंद्रा, इनका जो नियम है उनको भूल जाता है और रोगी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अपनी जरूरतें पूरी होने के बाद मन में संतोष का भाव होना चाहिए। वैसे भी तुलसीदास जी ने कहा है कि संतोष धन से उत्तम कोई भी संतोष धन नहीं है। और हमारे संतों ने लिखा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई,
अतिथि भी भूखा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। यानी मैं अपना कर जितनी मेरी जरूरत है वो तो मैं पूरी करता ही रहूं, अगर किसी व्यक्ति को मेरे से अपेक्षा है उसकी भी मैं मदद कर सकूं, बस उतना ही दीजिए, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार के भाव मन में होने चाहिए, तभी आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। मानसिक रूप से जब स्वस्थ रहेंगे तब आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है तप। तप का अर्थ है इंद्रिय नियंत्रण। इंद्रिय नियंत्रण करने से धैर्य आता है, तप से सभी प्रकार की मलिनता का क्षय हो जाता है। सभी जानते हैं हमारे ऋषि मुनि लंबी तपस्या करते थे, ऐसे रेफरेंसेज है, हमारे ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक, इवन हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। तपस्या के बल पर ही वो सब कुछ जान लेते थे, सब कुछ उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता था, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से वो स्वस्थ रहते थे। आज के समय में जब स्वास्थ्य की बात आती है तो तप का अर्थ मैं ये मानता हूँ कंसंट्रेशन। जिस भी काम को आपने करना है पहले तो आप ये निश्चय करें कि आप वो सही काम करना है, सही काम का आप निश्चय करें जो शास्त्र सम्मत हो, जो समाज के अनुसार हो, जो देश के अनुसार हो, जो कानून के अनुसार हो, कार्य वही करना है और उस कार्य को करने के लिए आपने अपनी कंसंट्रेशन बनानी है, अपना सब कुछ उसको समर्पण करना है, यही तपस्या है। जब आप इस प्रकार से पूरे शारीरिक मानसिक भाव से किसी कार्य में लगेंगे तो आपको कार्य सिद्धि प्राप्त होगी, अगर इसमें कोई कमी होगी कार्य सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, आपके मन में कोई ना कोई उद्वेग आएगा और आप रोगों का शिकार होंगे। तप का अर्थ यहाँ पर यही है। स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है आत्मविश्लेषण, अपने आप को सदा असेस करते रहना, क्या मैं ठीक चल रहा हूं, क्या जो मेरे कार्यकलाप है वो ठीक है। अगर हम इस प्रकार का आत्मविश्लेषण करते रहते हैं तो हमें अपनी त्रुटियों का पता रहता है और उन त्रुटियों को हम दूर करते हैं। त्रुटियों को दूर करते हुए हम शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान। आप कुछ भी करें ईश्वर को समर्पित करें, गीता का यही संदेश है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो आपको करना है लेकिन फल की इच्छा भी कहीं ना कहीं रखनी है, लेकिन अगर फल की इच्छा अनुसार प्राप्ति ना हो तो आपको उद्वेगी नहीं होना है, अपने पद से विचलित नहीं होना है। काम करना आपका कर्तव्य है, यह करके आप कार्य में लगे रहें, आपको अपेक्षित सफलता अवश्य मिलेगी। जो भी आप करते जाते हैं उसको ईश्वर को समर्पित करें। अगर आपने बहुत बड़ी कोई उपलब्धि बुद्धि के स्तर पे हासिल की है, बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हैं, बहुत बड़ी परीक्षा पास की है, तो आप ये मान के चलिए कि ये ईश्वर की देन है। अगर आपको बहुत अच्छी बुद्धि मिली है वो भी आपको ईश्वर ने ही दी है। किसी व्यक्ति को अच्छी बुद्धि मिलती है, दो भाई होते हैं, एक IAS ऑफिसर बनता है, दूसरा PN लग जाता है, ये ईश्वर की ही देन है बुद्धि। हाँ ये जरूर है कि जो बुद्धि ईश्वर ने दी है आप उसका सदुपयोग करें, उसको सकारात्मक कार्यों में लगाएं और उससे देश और समाज का हित करें, उसी से स्वास्थ्य प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आता है प्राणायाम। प्राणायाम से आप सभी जानते हैं हम प्राणवायु पर नियंत्रण करते हैं और प्राणवायु पर नियंत्रण करते हुए हम जितने मानसिक विकार है, फेफड़ों से संबंधित रोग है, उनसे बचे रह सकते हैं। आसन आते हैं। आसन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, इस पर ज्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा। सभी जानते हैं जैसे गोमुख आसन से लंग्स की डिसीज का निराकरण होता है, सर्पासन से आपके उदर विकार ठीक होते हैं, धनुरासन से आपके स्पाइनल डिसऑर्डर ठीक होते हैं। आसन और व्यायाम में अंतर है। आसन से आप स्थिर रहते हैं, सुखपूर्वक कर पाते हैं, कोई उनका विपरीत प्रभाव नहीं होता है। व्यायाम का कुछ ना कुछ विपरीत प्रभाव जरूर होता है। व्यायाम और आसन में से व्यक्ति को आसन को ही प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है विषयों से विमुख हो जाना। स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना ही है
कि किसी भी विषय में हमें जरूरत से ज्यादा संलिप्त नहीं होना है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है किसी भी विषय का। जैसे इंद्रियों के विषय हैं, किसी भी विषय का हमें अतियोग, अयोग, मिथ्या योग नहीं करना है। इंद्रियों के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग से ही मुख्य रूप से रोग उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों को विषय से दूर रखना ही प्रत्याहार कहलाता है। नेक्स्ट जो तीन धारणा, ध्यान, समाधि, ये अध्यात्म से संबंधित है। धारणा और ध्यान, किसी विषय पे केंद्रित हो जाना धारणा है, उसी को लगातार बनाए रखना, स्थिति को केंद्रित होने की स्थिति को, वो ध्यान है। ध्यान को मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान की जो प्रथम और द्वितीय अवस्था है उसको आम आदमी कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस को ध्यान कहते हैं, रोगों से मुक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसफुल है। योगा से आप डायबिटीज, मेलाइटस, हाइपरटेंशन, एसिडिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हेडक, एडिक्शन आदि रोगों का निराकरण प्रमुख रूप से कर सकते हैं। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि योगा के सभी साधनों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, योगा के अष्टांग योग का हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपनी स्थिति के अनुसार, हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है ये जरूरी नहीं है, लेकिन योगा के अपने अनुसार इन नियमों का पालन करके अहिंसा, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करके, नियमों का पालन करके, सोच, संतोष, ईश्वर, प्रणिधान, इनका पालन करके हम अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। योग एक ऐसी विधा है जो हमें इही लोक में स्वास्थ्य प्राप्त कराता है, और अगर हम उसका पूर्ण ध्यान कर लें तो परलोक में मोक्ष प्राप्त कराता है। मेरा उद्देश्य यह था बताने का कि हम केवल आसन तक सीमित ना रहें, अपितु जो योग के अन्य यम, नियम आदि अंग हैं उनका भी समुचित पालन करें, तभी हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और यह भी कामना करता हूं कि कोविड जैसी महामारी का आप अपने स्तर पर सफलतापूर्वक योगा की सहायता से सामना करें, और साथ साथ समाज की भी आप सेवा करने में समर्थ हो सके, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।